नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि जो कैलकुलेशन मैंने आपको निकाल कर दी थी कि 14 मई तक 70% तक की स्थितियां हमारे पक्ष में आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं असत्य होती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का ठीकरा मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं फोड़ना चाहूंगा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, या जब से सरकार ने शराब की दुकानें खोली है तब से केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसका पूर्ण श्रेय मैं अपने ऊपर लेता हूं और आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं कि आज से पहले इस चैनल पर जो भी भविष्यवाणियां की गई है वो सत्य हुई है, इस भविष्यवाणी का असत्य होने का कारण क्या रहा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कैलकुलेशन के अंदर मुझसे ही गलती हुई है कि मैंने नेगेटिव स्थितियों को देखा ही नहीं, इग्नोर किया, और पॉजिटिव कैलकुलेशन कितनी आपके सामने रख सकता था उसको आपके सामने प्रदर्शित किया। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव स्थिति बहुत चारों तरफ पहले से ही बनी हुई है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जबकि आज से पहले जितनी भी भविष्यवाणियां की है उसमें नेगेटिव स्थितियां भी और पॉजिटिव स्थितियां भी आपके सामने प्रस्तुत की और वो कहीं ना कहीं सत्य भी हुई। किंतु इस भविष्यवाणी के अंदर मैंने सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर फोकस किया, नेगेटिव चीजों को इग्नोर किया। किंतु आज मैं आपके सामने एक ऐसी कैलकुलेशन के साथ आया हूं जो आगामी समय में आप 100% सत्य होता हुआ पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैलकुलेशन को कंबाइन कर एक कैलकुलेशन निकाली है। आज मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप 100% देखेंगे कि ये स्थिति आपके सामने आगामी समय में घटित होती हुई दिखाई देगी, जैसे आज से पहले 350 भविष्यवाणियां आप सत्य देख पाए हैं। 21 जून का जो सूर्य ग्रहण हमारे देश के अंदर पुनः लगने वाला है, इससे हमारे जीवन में पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या अच्छी स्थितियां हमारे को इस ग्रहण से देखने को मिलेगी वो भी कैलकुलेशन में आपको बताने जा रहा हूं। किंतु उससे पहले एक बार आपको 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण के बारे में अपडेट अवश्य देना चाहूंगा। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था जो षष्ठ ग्रही योग से बना था और मूल नक्षत्र के अंदर ये सूर्य ग्रहण पड़ा था। आपने यदि पहले वाला सूर्य ग्रहण का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया भी था कि ये जो सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को होने जा रहा है इसके पश्चात संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को अवश्य मिलेगी। किंतु अब ये जो 21 जून का ग्रहण लगने वाला है इसकी स्थिति यदि हम कंपैरिजन करें 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण से तो बहुत अधिक मात्रा में कम देखी जा सकती है, क्योंकि 26 दिसंबर को षष्ठ ग्रही योग बना हुआ था, किंतु 21 जून का जो ग्रहण लगने वाला है इसमें चतुर्ग्रही योग मिथुन राशि के अंदर बन रहा है और वो धनु राशि के अंदर षष्ठ ग्रही योग बना था और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर 21 जून को ग्रहण होगा। तो ये पूर्णतया एक संकेत है कि पिछले ग्रहण की अपेक्षाकृत जहां से इस संक्रमण का निर्माण हुआ उस ग्रहण की अपेक्षाकृत ये जो 21 जून का ग्रहण होने वाला है ये काफी सुकून भरी स्थितियों को भी दर्शा रहा है, तो काफी भयावह स्थितियों को भी दर्शा रहा है, वो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्या क्या घटनाएं ये 21 जून का जो ग्रहण आ रहा है इसके समय में हमको देखने को मिल सकती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्या क्या घटनाएं हमारे को 21 जून का जो ग्रहण आ रहा है इससे देखने को मिल सकती है, उसके पश्चात क्या क्या स्थितियां अच्छी रहने वाली है वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो सर्वप्रथम यहां अग्नि से संबंधित कांड बहुत अधिक मात्रा में आपको संपूर्ण विश्व के अंदर देखने को मिलेंगे। वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना और चौपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं के बहुत अधिक केस आपको देखने को मिलेंगे। हिंसात्मक स्थितियां देखने को मिलेगी। भूकंप के झटके संपूर्ण विश्व के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओलावृष्टि और बाढ़ की स्थितियां भी आपको कई क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ बहुत से प्रतिष्ठित, फिर चाहे वो राजनेता हो या फिल्म इंडस्ट्री से हो, उनकी हत्या या फिर उनका स्वयं से निधन हो जाना, ऐसी स्थितियां भी आपको इस ग्रहण के पश्चात देखने को अवश्य मिलेगी या इसके आसपास भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्या क्या स्थितियां अच्छी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई है ये बहुत साधारण है और आज से पहले भी आप इन घटनाओं को देख चुके हैं, किंतु वर्तमान समय में जो संक्रमण की स्थिति, पूरा विश्व जिस संक्रमण से जूझ रहा है ये हर एक व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर रही है। ऐसी स्थिति में 21 जून तक का जो समय है यहां तक आप इस संक्रमण में तेजी वृद्धि देख सकते हैं, किंतु 21 जून से आप इसको डिक्रीज होता हुआ पाएंगे, ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन निकालकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 21 जून से ये डिक्रीजेशन की तरफ जाएगा। अब मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि 21 जून आया और ये डिक्रीज होना चालू हुआ, ऐसा नहीं होगा। आप इसके अंदर गतिविधि में स्लोनेस देखना प्रारंभ करेंगे और 29 सितंबर तक जाते जाते ये स्थितियां पूर्णतया संपूर्ण भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कंट्रोल में आ जाएगी। यहां तक जाकर हो सकता है कि कोई इस वैक्सीन का निर्माण हो जाए, कोई इस जो महामारी अभी चल रही है इसका तोड़ हमारे सामने आ जाए
और ये स्थिति पूर्णतया हमारे पक्ष में आ जाए। 29 सितंबर तक जाकर ये स्थितियां पूर्णतया हमारे पक्ष में आ जाएगी और इसका जो डिक्रीजेशन देखने को मिलेगा वो आपको 21 जून से प्रारंभ हो जाएगा। पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, एकदम से ये स्थितियां डिक्रीजेशन की तरफ की, आज 1000 कल 800 600 400 ऐसे नहीं होगा, किंतु आप इसके अंदर डिक्रीजेशन देखना 21 जून से प्रारंभ कर देंगे। साथ ही आपको आपके परिवार का सदस्य होने के नाते एक और सलाह देना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है, जून 2021 तक आपको कोई भी बड़ा निवेश किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निवेश के दृष्टिकोण से ये समय, इस ग्रहण को मध्य नजर रखते हुए निवेश के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आप जितना जो चल रहा है उसको मैनेज करें, छोटा मोटा आपका निवेश जो आवश्यक हो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, किंतु कोई बड़ा निवेश इस समय में आपको नहीं करना होगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कि ये जो 21 जून का ग्रहण आने वाला है, इस दिन हम सभी लोगों को मिलकर ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है इससे हमको प्रभु कृपा से निजात प्राप्त हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा अवश्य कीजिए।